बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट वन की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम लोग 3.2। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जिस तरह आप लोग क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिसेस को सॉल्व करना, सेम उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें एडिशन होता है जो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा, नहीं तो ये सेम क्लास 9th में जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिसेस को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 × 4। मतलब ये है कि इसमें आई जो शो करता है नंबर ऑफ रो को शो करता है, जे नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, वो कहता है 3/4 का एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। मतलब 3/4 का मतलब इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा, ठीक है। देन शो दैट, पहला पार्ट है हमारे पास कि आई 3 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो इज इक्वल टू आएगा ए। इसी तरह ए को आई 4 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब 3 का, तो एक तो हम लोग ने इसको लिखना है, ठीक है। और ए मैट्रिसेस को हम लोग पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 × 4। मतलब आई किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रो को शो करता है, ठीक है, और जे किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। ये पहला होता है नंबर ऑफ रो 3, मतलब इसकी वेरिएशन क्या होगी, 1, 2, 3 तक इसको चेंज वैल्यूज पुट करेंगे। जे के कॉलम कितने हैं इसके, 4, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब इसका कॉलम मैट्रिसेस किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें, ए इज इक्वल टू है यहाँ पे 3/4, 3 × 4, तो मतलब इसमें 3 कॉलम होंगे, 4 क्या 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये ए दिया हुआ था, ए को आप लोग 4 दफ़ा लिख लें, क्योंकि इसमें 4 कॉलम होंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देख लें, इसमें 3 रो होगी, 4 क्या हो गए, कॉलम हो गए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पे हम लोग इसके आई और जे की जगह पे इसकी बेस पे जो वैल्यूज रखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आई क्या है 1, 2, 3, तो पहले 1 लिखो सबके साथ, फिर लिखो 2 लिखो सबके साथ, फिर क्या लिखो, 3 लिखो, ये 1, 2, 3 लिख लिया। अब आई कितना, जे कितना है, 1, 2, 3, 4, तो आप लिखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारे पास बन गया ये मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी 3, ए तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी 3 क्या होगा, आइडेंटिटी ये 2 आप लोगों को पता है ये किसके बराबर होता है, 1, 0, 0, 1। आइडेंटिटी 3 किसके बराबर होता है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। आइडेंटिटी 4 किसके बराबर होता है, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक। अगर यहाँ पे सबसे पहले 1 होगा बाकी 0, फिर दूसरे नंबर पे 1 होगा बाकी 0, फिर तीसरे नंबर पे 1 होगा बाकी 0, फिर चौथे नंबर पे 1 होगा बाकी, ये क्या होंगी, 0 होंगी। अगर आइडेंटिटी 5 हो तो पहले नंबर पे 1 लिखो, बाकी 0 लिखो, फिर दूसरे नंबर पे 1, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं इसकी आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमें चाहिए आई 3, हमें क्या चाहिए, आई 3 चाहिए। तो आई 3 हमारे पास है यहाँ पे इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है कि 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये होता है आइडेंटिटी 3। अब हम क्या लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पे आइडेंटिटी 3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू लिख लेंगे और इसकी भी लिख लेंगे, ये ए भी हमारे पास गिवन है और आई 3 भी गिवन है। तो मल्टीप्लाई करना इसको बहुत ही आसान है, मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई 3 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, आई 3 को मल्टीप्लाई करें
ए के साथ। आई थ्री क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, a11 a12 a13 a14, और इसी तरह a21 a22 a23 a24, a31 a32 a33 a34। अब इनको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इस तरीके से मैट्रिसेस बना लिया, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी फर्स्ट रो इसके कितने कॉलम है, 4 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो इसके 4 कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम लोग 4 दफ़ा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 100 100, ये 2 दफ़ा लिख लिया, 100 100 और ये 0, कितने दफ़ा लिख लिया, 4 दफ़ा, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह दूसरे को भी लिख लो 4 दफ़ा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 कॉलम है, ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। इसी तरह इसको भी 4 दफ़ा लिख लो, क्योंकि कितने कॉलम है, 4, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और ये 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, चौथे कॉलम को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे। पहला है a11 a21 a31, तो दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस। इसी तरह a11 a21 a31, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस, a11 a21 a31, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर a21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यह a12 a21, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, a32 a32, फिर ये नीचे भी इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे a12, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा a21, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा a21 और a12, ये मतलब नीचे उतारते आते हैं a32 a32, ठीक है। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये तीसरा कॉलम होगा इन तीनों के साथ, पहले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो a13, दूसरे के साथ a23, तीसरे के साथ a33, ठीक है। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे नीचे भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा a13 मल्टीप्लाइड बाई a13, दूसरे के साथ a23, दूसरे के साथ a23, तीसरे के साथ a33, ठीक है, a33। अब लास्ट वाले के साथ क्या है, a14, ये पहले के साथ ये होगा, दूसरे के साथ ये होगा, तीसरे के साथ ये होगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय a14 मल्टीप्लाइड बाय a24 मल्टीप्लाइड बाय a34 मल्टीप्लाइड बाय a14 मल्टीप्लाइड बाय a24 मल्टीप्लाइड बाय a34 मल्टीप्लाइड बाय a14 मल्टीप्लाइड बाय a24 मल्टीप्लाइड बाय a34। तो जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये देखें, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये 0 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 1 प्लस 0 प्लस 0, ये दूसरे नंबर ये क्या हो जाएगा, a12 प्लस 0 प्लस 0, ये हमारे पास आ जाएगा a13 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा a14 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरे नंबर पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस a21 प्लस 0, इसी तरह ये 0 प्लस a21 a2, दूसरा क्या था, a22 था, क्या था, a22 a22 प्लस 0,
इसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, 0 + a 2 3 + 0, ये क्या था 0 + a 2 4 + 0 हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर वाला बच जाएगा 0 + 0 + a 3 1, 0 + 0 + a 3 2, 0 + 0 + a 3 3, ये हो जाएगा 0 + 0 + a 3 4 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये बच जाएगा ए वन टू, ये वाला ये, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करें हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, फिर ए के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इज इक्वल टू ए वन वन को प्लस जीरो करो तो ये हो जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने आप लोगों को दोबारा बता दूं कि ये देखें इसकी रो इन चार कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को चार दफ़ा लिख लिया, इसी तरह 010 को चार दफ़ा लिख लिया, इस तरह 001 को भी नीचे कितने दफ़ा लिख लिया, चार दफ़ा लिख लिया। अब वे ये वाले जो तीन थे इनके साथ पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ये वाले जो तीन थे इसके साथ दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ये थर्ड वाले के साथ तीसरा, और फोर्थ वाले के साथ चौथा, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ कॉलम वाइज है। तो आप लोग रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये क्या था, प्लस था, ठीक है। ये मैंने प्लस लिख लिया, दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं सबके साथ, ये प्लस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस लगा लेंगे, ठीक है, ये प्लस लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, इसी तरीके से आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों को फिर भी समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इससे अगला क्वेश्चन करेंगे।